हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके सो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह एक प्रैक्टिस सेट, और आपको अच्छा लगेगा जैसे आपको पहले के प्रैक्टिस सेट समझ में आ रहे हैं। आई होप आप सबको आ रहे होंगे और आप कर भी पा रहे होंगे। ये क्विज वाले क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इनसे पेपर में। अच्छा लगे वीडियो, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारा आज का प्रैक्टिस। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज के जो क्वेश्चन है वो मार्केट से रिलेटेड है, मार्केट जो एक टॉपिक है उससे रिलेटेड है, जिसको कि बाजार बोलते हैं हिंदी में। चलिए देखते हैं, और आप खुद से भी करने की कोशिश कीजिएगा, और आप लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो मेरे बताने से पहले सही हुए हैं, आपने भी वही आंसर किया जो राइट आंसर था। ओके, और एनी क्यूरी कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। चलिए, बाजार के वर्गीकरण के आधार पर बाजारों के प्रकार हैं। तो बाजार के वर्गीकरण के आधार पर बाजारों के कितने प्रकार हैं? बाजारों के 6 प्रकार हैं, ठीक है, जिसमें आपको आई होप आप सबको पता ही होगा कि बाजारों के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। सो बाजारों के 6, जिसमें क्षेत्र के आधार पर, समय के आधार पर, वस्तु की प्रकृति के आधार पर, कार्य के आधार पर, बिक्री सॉरी प्रतियोगिता के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर, ठीक है। ये जो 6 प्रकार, ये तो मेन है ही, उसके अलावा एक जो प्रकार है वो अदर मार्केट आ जाता है। तो अदर मार्केट को आप मुख्य प्रकारों की बात जो आ रही है वो 6 है, ठीक है। सो 6 इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा बाजारों में सम्मिलित नहीं है? हमें देखना है कि कौन सा जो है बाजारों में सम्मिलित नहीं है। प्रांतीय, प्रादेशिक बाजार, अल्पकालीन बाजार, ये तो है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार, विशिष्ट बाजार, ये भी हैं। खुला बाजार, एकाधिक, ये सभी जो है वो बाजारों के प्रकारों में सम्मिलित हैं। तो इनमें से कोई नहीं जो है इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार कौन से हैं? ठीक है, हमें प्रतियोगिता के आधार पर देखना है कि बाजार कौन कौन से हैं। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार देखिए 3 प्रकार के होते हैं, जो कि एक अपूर्ण बाजार, पूर्ण बाजार, ठीक है, और उसके अलावा एकाधिकार बाजार, ये 3 आते हैं, ठीक है। अपूर्ण बाजार में जो है इसमें जहां कोई प्रतियोगिता नहीं होती, पूर्ण बाजार जो होता है इसमें प्रतियोगिता होती है, और जो एकाधिकार बाजार होता है प्रतियोगिता 0 से अनंत तक कहीं कितनी भी हो सकती है। सो ये जो है प्रतियोगिता के आधार पर बाजार कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ठीक है, अपूर्ण, पूर्ण और एकाधिकार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाजार के विशेषताओं में सम्मिलित है, ठीक है, बाजार की जो विशेषताएं हैं उनमें क्या सम्मिलित है, उसमें आपके आ जाता है बाजार में एक मूल्य होना चाहिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा का होना, ठीक है, एक क्षेत्र होना, एक वस्तु का होना, क्रेता व विक्रेता का उपस्थित होना, बिल्कुल ये सारी की सारी चीजें जो है आपके ये बाजार की विशेषताओं में सम्मिलित है। सो आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बाजार में एक ही प्रकार की वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हूं, वह कौन सा बाजार होता है? ठीक है, ऐसा बाजार है जिसमें एक ही प्रकार की वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं, तो वो होता है आपके विशिष्ट बाजार, ठीक है। विशिष्ट बाजार के अंदर एक ही प्रकार की वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाजार की संज्ञा दी गई है राष्ट्रीय बाजार को, ठीक है, विश्वव्यापी बाजार की संज्ञा दी गई है, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, अंतरराष्ट्रीय या फिर स्थानीय। सो जो अगर विश्वव्यापी बाजार की बात आ रही है तो ये कौन सा आंसर आएगा इसका? राइट, अंतरराष्ट्रीय बाजार बोला जाता है इसे, विश्वव्यापी बाजार को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाजार में क्रेताओं व विक्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है, बाजार में जो खरीदने वाले बेचने वाले सब में क्या होता है? कंपटीशन होता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। बाजार शब्द किसी स्थान विशेष को इंगित नहीं करता, ये भी बात बिल्कुल सही है, बाजार जो है किसी पर्टिकुलर किसी भी एक प्लेस को वो इंगित नहीं करता। तो इसमें आपके ए और आर जो है दोनों सत्य हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दोनों स्टेटमेंट जो है सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जब बाजार में वस्तुओं का क्रय विक्रय निर्धारित मूल्य पर किया जाता है वह सरकार का नियंत्रण रहता है, ऐसा बाजार कौन सा होता है? ठीक है, बाजार के अंदर जो वस्तुओं का आपका लेन देन जो होता है वो निर्धारित मूल्य पर किया जाता है, जो उसका जो मूल्य निर्धारित किया हुआ है, जो उसके ऊपर प्राइस होता है, उस एक
फिक्स्ड प्राइस जिसको बोल सकते हैं वो कर दिया जाता है, और जिसके ऊपर गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होता है। ऐसा बाजार कौन सा होता है? तो ये बाजार होता है खुला बाजार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ठीक है, बाजार के फैलाव बोल सकते हैं, विस्तार को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा आ जाता है? वस्तु के गुण या विशेषताएं, पूर्ति, पर्याप्तता, विविध उपयोग, देश की शांति, सुरक्षा। विस्तार को प्रभावित करने वाले कारकों में आपके इसके अंदर जो आ रहा है वो राइट आंसर, इसमें राइट जो आंसर आ रहा है इसके अंदर उपरोक्त सभी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, जिसमें वस्तु के गुण, विशेषताएं, पूर्ति के पर्याप्तता, विविध उपयोग, देश की शांति, सुरक्षा, सरकारी नीति, श्रम विभाजन, वस्तु की व्यापक मांग, विविध उपयोग, करों की प्रकृति। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार के संबंध में देश की आंतरिक दशाओं में सम्मिलित है। ठीक है, सो हमें इसमें देखना है कि व्यापार की वैज्ञानिक विधियां, पूर्ति की पर्याप्तता, देश में सकुशल प्रशासन, मुद्रा बैंकिंग और परिवहन व संचार साधनों का विकास। सो इसके अंदर जो आपके सही आंसर आ रहा है, बाजार के संबंध में देश की आंतरिक दशाओं की बात हो रही है। आंतरिक दशाओं में आपके आ जाता है एक तो व्यापार की वैज्ञानिक विधियां नंबर वन, उसके अलावा आपके आ जाता है देश में सकुशल प्रशासन, ठीक है, नंबर थ्री, और आपके मुद्रा बैंकिंग व साख प्रणाली, ये भी आंतरिक दशाओं में आ जाता है, नंबर चार, और इसके अलावा आप क्या जाता है परिवहन एवं संचार साधनों का नंबर छः। ठीक है, सो इसके अंदर आपके 1, 3, 4, 6 जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। 1, 3, 4, 6 हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर वन में। सो ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समय के आधार पर बाजार है, ठीक है, हमें समय के आधार पर बाजार देखना है, तो वो आपके आ जाता है समय के आधार पर दैनिक या अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन व दीर्घकालीन बाजार, अति दीर्घकालीन बाजार। सो ये सभी जो है ये आपके आ रहे हैं बाजारों में शामिल है समय के आधार पर। ठीक है, तो ये सभी जो है समय के आधार पर बाजारों में सम्मिलित हैं, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ सामान्य क्रेता और विक्रेताओं के बीच किसी साधन या वस्तु के लेन देन का जाल सूत्र है, यह परिभाषा किसने दी है? तो हमें ये परिभाषा देखनी है स्टोनियर, कूर्नो, बेनहम या फिर केर्न कॉर्स। तो ये आपके जो परिभाषा दी है वो दी है केर्न क्रॉस ने। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, आई होप आपको सबको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपके लिए थोड़े से भी हेल्पफुल हैं तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सबके काम आएगा, सबके लिए एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। चलिए, एकाधिकार बाजार कहलाता है जिसमें वस्तु का विक्रेता या पूर्तिकर्ता एक होता है तथा क्रेता अनेक होते हैं। जब किसी बाजार में वस्तु के अनेक क्रेता विक्रेता होता है, जब किसी बाजार में व्यापारी ही क्रय विक्रय का काम करता है या फिर कोई नहीं। सो देखिए, एकाधिकार बाजार कौन सा होता है जिसमें वस्तु का विक्रेता और पूर्तिकर्ता एक होता है लेकिन क्रेता जो होते हैं वो अनेक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। सो उसको कौन सा बाजार बोला जाता है? उसको बोला जाता है एकाधिकार बाजार, जिसमें वस्तु का विक्रेता या पूर्तिकर्ता एक होगा लेकिन क्रेता जो है वो अनेक होंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, टेलीग्राम ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। क्विज क्वेश्चंस हैं वहां पर, होते हैं यही क्विज क्वेश्चंस हैं, तो आप अगर खुद से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छे से होने वाली है। सो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जो ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पेपर में हेल्प मिलेगा। जब एक ही व्यापारी उद्योग विभिन्न कस्बों, शहरों, नगरों तथा महानगरों में कई दुकानों, भंडारों का संचालन करता है, उसे क्या कहते हैं? व्यापारी एक ही होता है, उद्योगपति होता है, कस्बों में उसकी जो ब्रांड समझ लीजिए, ठीक है, ब्रांड जो होता है वो कई शहरों में दुकानों में कई जगह पर चलता है, तो वो क्या होता है? चेन स्टोर बोलते हैं उसको। ठीक है, चेन स्टोर। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, खुला सुपर बाजार। सुपर बाजार का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता को दलाल, बिचौलिया, मध्यस्थों से बचाया जाए, शहरों, नगरों, महानगरों में मेले, प्रदर्शनों का आयोजन किया जाए, बाजार का संचालन सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाए, या फिर बाजार में निम्न कोटि की वस्तुओं को उच्च दामों पर बेचा जाए। सो सुपर बाजार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? वो होता है उपभोक्ता को, कंज्यूमर को दलाल से, मीडिएटर्स जो होते हैं उनसे बचाया जाए। ठीक है, ब्रोकर्स से, ठीक है, मीडिएटर्स से उनसे बचाया जाए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे,
और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, और आपके जो भी क्यूरी हो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गिव योर क्यूरीज आंसर, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्यूरीज। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।